हाय फ्रेंड्स, childa.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आम का सीजन है और आप में से कई लोगों को खट्टा मीठा कैरी या कच्चे आम का अचार बहुत पसंद होगा, इसलिए आज हम आपके लिए कच्चे आम का अचार बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इस वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करके अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब कीजिए शिल्दा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को या घंटी को हमारी लेटेस्ट रेसिपी और टिप्स सबसे पहले देखने के लिए। केरी या कच्चे आम का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए केरी या कच्चे आम, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सौंफ, दाना मेथी, किसी भी काली मिर्च, पीली सरसों, कलौंजी, कतरवा सौंठ या ड्राई जिंजर, जीरा, हींग, सरसों का तेल। केरी या कच्चे आम का अचार बनाने के लिए हम सबसे पहले 5 किलो कच्चे आम को धोकर काट लेंगे और उन्हें एक कपड़े या पेपर पर अच्छे से सुखा लेंगे। जब केरी या कच्चे आम अच्छे तरह से सूख जाएं, तब उसमें 150 ग्राम हल्दी, 300 ग्राम लाल मिर्च, 300 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम पीसी हुई काली मिर्च, 50 ग्राम कतरवा सौंठ या ड्राई जिंजर, 150 ग्राम पीली सरसों, 50 ग्राम कलौंजी, 200 ग्राम दाना मेथी और 150 ग्राम नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएंगे। अब एक बर्तन में 2 लीटर सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। गरम होने के बाद तेल में 4 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। जब तेल में जीरे और हींग का तड़का या छौंक लग जाए तो इस तेल को हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। तेल हल्का ठंडा होने के बाद आधे तेल को मसाले में मिलाए हुए कच्चे आम में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जब ये मिक्स हो जाए तो इसको 2 से 3 घंटे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको बर्तन में डाल देंगे। साथ ही बचा हुआ आधा तेल भी इसमें डाल देंगे। इस तरह आपका खट्टा मीठा केरी या कच्चे आम का अचार तैयार है। ध्यान रखें कि बर्तन में अचार पूरी तरह से तेल में डूबा हुआ हो, नहीं तो अचार खराब हो सकता है। अगर कभी तेल कम हो जाए तो आप तेल को गर्म करके ठंडा करके अचार में डाल सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इसमें आप सीधा हाथ ना लगाएं, नहीं तो अचार खराब हो सकता है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि अचार में पानी की बूंद नहीं जानी चाहिए और आप जिस भी बर्तन के अंदर अचार को डाल रहे हैं वह बिल्कुल साफ़ सुथरा और ड्राई होना चाहिए, नहीं तो पानी की बूंद लगने से अचार खराब हो सकता है। वैसे तो आप इस अचार को 1-2 दिन में उपयोग ले सकते हैं,
लेकिन मसाला अचार में अच्छी तरह मिलने और अचार अच्छी तरह तैयार होने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं और तब अचार का स्वाद और भी अच्छा आता है। यह अचार आप लगभग 1 साल के लिए उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को या घंटी को प्रेस करके सेंड ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करके सेव बटन को दबाइए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता लग सके। आप स्क्रीन पर हमारे गोल लोगों को क्लिक करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।